नहीं जान, मैं जब आया था स्वामी दादा में तो मैं विलन का रोल किया था, मैं शक्ति कपूर बाबा का था, शक्ति कपूर साहब का मैं लेफ्ट हैंड माना था, राइट भी नहीं, तो मैं विलन ही बनने आया था, क्योंकि मेरे को मैं कुछ बनना तो चाहता नहीं था, जब बुलाया तो विलन का ही आ गया, मैं बस सही है यार, लफड़े नहीं गाने वाने के, यहाँ वहाँ मेरे को कुछ ऐसे भी तीन बत्ती पे रह के हम लोग को ये सब गणपति में नाच लिए, हांडी वांडी पे चढ़ के फोड़ फोड़ दिए, वो सब गेम हो गया। पर फिल्म के अंदर ये कैमरा के सामने गेम खेलने का ज़रा मुश्किल था गेम, अभी भी मुश्किल ही लगता है, हमेशा लगेगा, क्योंकि नेचुरल ऐसा लगता है सब देख रहे, खाली अपन ही बोल रहे, समझा ना बॉस? तो क्वेश्चन क्या था? सॉरी, माफी चाहता हूँ, फरमाइए। हाँ नहीं, स्वामी दादा में मैं आया था क्योंकि इतना खूबसूरत हैंडसम बच्चन साहब, विनोद साहब, वरुण, धर्म जी, सारे इतने खूबसूरत लोग, इसके साथ आया का हीरो वीरो तो सपना था ही नहीं, तीन बत्ती चाली के अंदर, वो तो मिल गया, मॉडल बन गया, रास्ते से किसी ने उठा ली, देव साहब ने बुला लिए, उनने रोल दे दिया और मैंने कर दिया, सुभाष जी ने वो पिक्चर मेरा कोई ऐड देख लिए, बोले इनको हीरो बना दो, एंटी हीरो बन गया, अब प्लान कुछ नहीं किया, लाइफ में प्लान किया ही नहीं बॉस, अपन लगा के सो जाते कि सुबह उठेंगे, किसको मालूम बॉस। बट थैंक यू माय डियर, मैंने प्लान को बोलते हैं, प्लान करना चाहिए, अच्छी बात है, स्ट्रैटेजी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, ये नहीं बोल रहा मगर मैं गधा हूँ, मेरा दिमाग ऐसा है, मैं क्या करूँ यार।